ये देखो आप, मोतीचूर के लड्डू घर में बनाए हुए हैं, बिल्कुल मोती जैसे चमक रहे हैं, पर्ल्स जैसे, अंदर बहुत ज़्यादा जूसी है। और मेरे चटोरों, कैसे हो आप? ये लड्डू बिल्कुल भी नहीं सूखेंगे 3 दिन बाद भी। एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डलता है, मेथड तो वैसे आपको पता ही होगा, बहुत सारे वीडियो में है, लेकिन कुछ जने चीटिंग भी करते हैं। नॉर्मल बूंदी को मिक्सी में चला कर दिखा देते हैं, या फिर लास्ट में क्या करते हैं, बाजार के लड्डू को तोड़ कर फिर से बोझ के दिखा देते हैं। वैसा काम यहाँ पर नहीं होगा। मैंने 40 बार से ज़्यादा बार ट्राई किया है दोस्तों, वीडियो में आपको बहुत कुछ बताऊँगा, और तब जाकर पता चला कि इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डलता है चाशनी में, जिसकी वजह से मोतीचूर के लड्डू चमकते हुए बनते और बिल्कुल नहीं सूखते हैं, और ऐसे नरम नरम बनते हैं। मुंह में घुल जाने वाले मोतीचूर के लड्डू बनेंगे, तो चलिए बनाते हैं घर में मोतीचूर के लड्डू। तो चलो मोती बनाते हैं। ये मैंने मिक्सिंग बोल लिया है, इसमें 1 कप बेसन लेंगे, ये 120 ग्राम के आसपास होता है, और नॉर्मल बेसन है दोस्तों। इसके लिए लड्डू बेसन भी आता है जो थोड़ा मोटा होता है, लेकिन ये रेसिपी के लिए बारीक वाला बेसन या बॉम्बे बेसन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, बूंदी झड़ती नहीं है नहीं तो। ये मैंने 1 कप बेसन ले लिया। हलवाई लोग इसमें केसर येलो कलर भी डालते हैं, घर में बना रहे तो स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें डलेगा पानी। पानी की क्वांटिटी 1 कप से कम है, 210 से 215 ग्राम के आसपास पानी लगता है इसमें, लेकिन सारा नहीं डालना है एक बार में, थोड़ा थोड़ा कर कर पानी डालेंगे और अच्छी तरह फेंटना है इसको। मैंने आधा पानी डाला है और अच्छी तरह फेंट रहा हूँ मैं, बिल्कुल भी गुठली नहीं रहनी चाहिए, और बाकी का पानी भी डाल रहा हूँ, सारा नहीं डाला है अभी भी। बैटर आप देखो ऐसा फ्लूइड करना है हम लोग को, फ्लूइड रहेगा बैटर तो ही बूंदी राउंड राउंड बनेगी, वरना उसमें पूंछ आ जाएगी, टेल आ जाएगी बूंदी में। चलो अब चेक करते हैं बैटर को। ये मैंने बूंदी का झारा लिया है 1 नंबर का, ये मालूम है हम सभी के पास घर में नहीं रहता है, मैं तो बहुत बार बनाता हूँ। ये नहीं हो तो आप ग्रेटर यूज़ कर सकते हो जो कद्दूकस होता है, या फिर आप नॉर्मल वाला झरिया भी यूज़ कर सकते हो, बस यही है कि बूंदी मोटी वाली बनेगी, बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। ये इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि झारे के पीछे डिम्पल्स होते हैं हर छेद के, आप देख सकते हो क्या होता है, बैटर जब जाता है ना झारे से तो डिम्पल की वजह से राउंड बनकर जाता है और बूंदी गोल गोल बनती है। ये मैंने आधा करछी के आसपास इसमें बैटर डाला और मैं पटक रहा हूँ दूसरे हाथ से, तो नहीं निकल रही है बूंदी, मतलब बैटर गाढ़ा है, तो इसको मैं वापस साफ़ कर लेता हूँ और बैटर में हम लोग पानी और मिलाएंगे। अब हो रहा है बैटर फ्लूइड, अभी आप देख सकते हो सही लग रहा है, तो फिर से चेक करते हैं। नॉर्मल डालने से तो बूंदी नहीं झड़ रही है, लेकिन जब मैं पटक रहा हूँ तो बूंदी निकल रही है, मतलब बैटर अपना पूरा परफेक्ट रेडी हो चुका है। चलो मैं झारा भी साफ़ कर लेता हूँ और अब बनाते हैं हम लोग मोती, मतलब छोटी साइज़ की बूंदी। इसमें आप देख सकते हो कप में 1 चम्मच बराबर पानी बचा है, तो पूरा कप पानी नहीं लगता है, आप कोई भी कटोरी से भी बेसन और पानी नाप सकते हो। तो बूंदी के लिए यहाँ पर मैं कढ़ाई में घी डाल रहा हूँ, आप चाहो तो तेल में भी फ्राई कर सकते हो, तेल में फ्राई कर कर घी का स्वाद कैसे लेकर आना है मैं बाद में बताऊँगा। कढ़ाई में कम से कम आधी तो आप घी लीजिएगा, क्योंकि वरना बूंदी अच्छी तरह नहीं सिकेगी। हाई फ्लेम पे हम लोग को इसको गरम करना है, और जब तक घी गरम हो रहा है तब तक स्टैंड बनाते हैं। चूल्हे के पास या फिर कढ़ाई के पास आप एक ऐसी चादर ले लीजिए, चादर के ऊपर हम लोग को कोई डिब्बा लेना है जो कढ़ाई से थोड़ा बड़ा होना चाहिए हाइट में, और इसके ऊपर वापस से हम लोग चादर रख देंगे। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लोग पटकेंगे हम लोग के झारे को, इससे क्या होगा अपनी बूंदी गोल शेप की बनकर निकलेगी कढ़ाई में। ये करना बिल्कुल सेफ है, बस आपको ये बात का ध्यान रखना है कि इतना गैप होना चाहिए 3 से 4 इंच कढ़ाई से। 2014 से मैं इसे बना रहा हूँ दोस्तों, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, आप भी ट्राई करना। सब कुछ रेडी हो चुका है, अपना घी भी गर्म है हाई फ्लेम पर, एक बार चेकिंग करते हैं। एक और जना लगता है मम्मी यहाँ पर आधी करछी बैटर डाल रही है झारे में और मैं पटक रहा हूँ और बूंदी नीचे गिर रही है। बूंदी बन गई, अब इसको चेक करते हैं। अरे वाह, एकदम परफेक्ट बूंदी बनी है, आप देख सकते हो। इनको फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हाई फ्लेम पे हम लोग बना रहे हैं ना, जब इसमें से झाग हटने लग जाता है तो निकाल लेंगे। अभी आप देख सकते हो एकदम छोटी छोटी साइज़ की बूंदी बनी है। प्लेट में कोई भी टिश्यू पेपर नैपकिन वगैरह नहीं लगाना है, कोई जाली भी नहीं लगानी है, बूंदी के साथ थोड़ा बहुत घी आएगा तो टेस्ट और भी अच्छा आएगा। अब ऐसे ही बाकी की सारी बूंदी बना लेंगे। अपना कढ़ाई में घी अच्छा गर्म होना चाहिए
और एक बार में 1 से 1.5 करछी बैटर डाल सकते हैं। देखने में मुश्किल लगता है ये मैं मानता हूँ, और फ्राई करने के लिए भी 2 जने चाहिए, लेकिन उतनी भी मुश्किल नहीं है रेसिपी। नॉर्मल सी रेसिपी आप ट्राई करना, लेकिन टेस्ट बाज़ार से भी अच्छा लगेगा। ये मैंने सेकेंड बैच भी बना ली बूंदी की, और सेकेंड टाइम थर्ड टाइम बूंदी बनाने से पहले आपको झारे को साफ़ करना है, वरना बूंदी सेम साइज़ की नहीं बनेगी, कुछ बूंदी छोटी बड़ी बनेगी या फिर पूछ आ जाएगी। तो उसके लिए पहले ऊपर की तरफ साफ़ करनी है, फिर नीचे की तरफ ऐसे। 1 से 2 चम्मच बैटर तो इसमें से निकल ही जाता है। और हाँ, मैं वो इजी मुश्किल वाली बात कर रहा था, तो आपको इतनी दूरी बनाए रखनी है, मतलब झारे और कढ़ाई की, अगर ये सही हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक्सीडेंट नहीं होगा। मैंने सारी की सारी बूंदी बना ली, और आप देख सकते हो क्या मस्त बूंदी बनी है, छोटी छोटी बिल्कुल इवन साइज़ में, बिल्कुल मोती जैसी लग रही है, बिल्कुल जैसी जो बनी है नेचुरल आपके सामने दिखा दी, कोई चीटिंग नहीं करी है अभी और आगे भी नहीं होगी, आपको मैं दिखा ही रहा हूँ। बहुत सारे वीडियो में तो ये स्टेप में भी हो जाती है, आगे भी होती है, यहाँ पर मैंने नेचुरल चीज़ दिखा दी। अब चलिए ये मोतियों को चमकाते हैं, रसीला बनाते हैं। अभी तो ये कड़े हैं ना, नरम भी करना है इनको, तो उसके लिए सीक्रेट वाली चाशनी बनेगी। उसके लिए ये मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में हम लोग डालेंगे चीनी। चीनी की क्वांटिटी है 185 ग्राम, 1 कप से थोड़ी कम है, आप 200 ग्राम भी ले सकते हो जो 1 कप होता है, फिर वो थोड़े ज़्यादा मीठे लगते हैं। इसी के साथ में पानी भी डलेगा, ये मैं 140 ग्राम पानी इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हो। पानी अगर थोड़ा ज़्यादा भी डल गया तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हम लोग की बूंदी रसीली बनेगी, उबालेंगे ना हम लोग। तो चलो अब गैस पे टिकाते हैं इसको। यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम रखी है, इसमें 2-3 चीज़ें और डलेगी। यहाँ पर हलवाई लोग कलर ज़रूर से डालते हैं, क्योंकि इसी से मोतीचूर में वो रंग आता है, तो यहाँ पर मैं केसर येलो कलर डाल रहा हूँ। इसी के साथ में थोड़ा सा गुलाब जल, 1/2 चम्मच के आसपास था गुलाब जल, और डलेगा इसमें सीक्रेट वाला इंग्रेडिएंट जो खुद ही ट्रांसपेरेंट है, ये लिक्विड ग्लूकोज है भाई लोग, राइस और कॉर्न से बनता है, एक तरीके से लिक्विड चीनी है ये, भयानक चिपचिपी होती है, डब्बे को उल्टा भी करेंगे ना तो ये नहीं निकलेगा। होलसेल बाज़ार में आसानी से मिल जाता है, क्योंकि हलवाई लोग भी यूज़ करते हैं, बेकरी वाले भी यूज़ करते हैं, दोनों इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ होता है। ये नहीं भी हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैं आपको उसका सब्स्टिट्यूट बताता हूँ, तो रुके रहिए वीडियो में। इसको निकालने के लिए मैं ये गैस से चम्मच गर्म कर रहा हूँ, क्योंकि ये भयानक चिपचिपा होता है, गर्म चम्मच से एक बार में निकल जाएगा। ये आप देख सकते हो, एक बार में चम्मच डालते साथ ये पिघलने लग जाता है और निकल गया, 1/2 चम्मच से थोड़ा कम है, ग्राम में 5 ग्राम है ये। 5 ग्राम लिक्विड ग्लूकोज हम लोग डाल देंगे अपनी कढ़ाई में। अगर आपके पास लिक्विड ग्लूकोज नहीं है तो शहद यूज़ कर सकते हैं, वो मैं बताऊँगा आगे कब यूज़ करना है। लिक्विड ग्लूकोज से क्या होता है, अपनी चाशनी जमती नहीं है, क्रिस्टलाइज नहीं होती है, और बाइंडिंग आ जाती है हम लोग के मोतीचूर के लड्डू में। मीडियम फ्लेम पर हम लोग चाशनी में उबाल लेकर आएंगे, बस एक उबाल ही लेकर आना है, चीनी को घुलाना है। जब चीनी घुल जाती है तो गैस को बंद कर कर फटाफट से इसमें सारे के सारे बूंदी डाल देंगे और फिर चलाना स्टार्ट करना है। अब मैं वापस से गैस चालू कर दिया हूँ लो फ्लेम पर, और इसको पकाना है जब तक सारी की सारी चाशनी गायब होने ना लग जाए। जो हम लोग ने लिक्विड ग्लूकोज डाला है ना, वो कोई केमिकल नहीं है, ये मैं बोलना भूल गया, इन्वर्ट शुगर है एक टाइप से। बिना ग्लूकोज के हम लोग को 1-1.5 तार की चाशनी बनानी पड़ जाती है बाइंडिंग के लिए। यहाँ पर चाशनी बहुत रसीली रहेगी, 1 तार की भी नहीं, और बाइंडिंग आ जाएगी ग्लूकोज की वजह से, यही सीक्रेट है। और हाँ, लिक्विड ग्लूकोज नहीं हो तो हनी यूज़ कर सकते हैं। ये स्टेप में अभी आप देख सकते हो चाशनी गायब हो चुकी है अपने बूंदी से। अब गैस बंद कर देंगे, यहाँ पर आप 2 टेबलस्पून हनी डाल दीजिए, और गैस बंद करके हम लोग को सारा बूंदी का मिक्सचर फटाफट से ठंडा करना है। तो मैं एक प्लेट में इसको फैला रहा हूँ, क्या मस्त दिख रहा है यार। इसमें थोड़ा सा हम लोग मगज डाल देंगे और इसको पूरा ठंडा करना है, 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं ठंडा करने में। 2 घंटे हो गए, अब ये मिक्सचर को चेक करते हैं। मैंने अपने हाथ गीले कर लिए थे, बूंदी एकदम नरम नरम है और स्टिकीनेस भी है इसमें, रसीली भी है, एकदम मस्त मिक्सचर बना है। हम लोग ने इसको घी में फ्राई किया है, तो मैं यहाँ पर घी नहीं ऐड कर रहा हूँ। अगर आपने तेल में फ्राई किया और घी का स्वाद चाहिए तो आप इसमें 2 टेबलस्पून घी अभी यहाँ पर डाल सकते हो, 25 से 30 ml घी डाल सकते हैं, और फिर लड्डू बोत सकते हैं। तो लड्डू अभी मैं
28 पीस पर किलो का हिसाब से बना रहा हूँ, तो 14 पीस बनेंगे, ये आधा किलो है ना, तो मुट्ठी भर मिक्सचर लेंगे और लड्डू की शेप देना है। पूरे हाथ में कैसे चमक आ रही है, मतलब आप सोचो कितना रसीला बनेगा ये लड्डू, बूंदी तो सुपर नरम है ही। और क्योंकि इसमें ग्लूकोज डला है तो अगले दिन भी ये सूखने नहीं वाला। ये लड्डू तो रेडी है और क्या नरम बना है यार, बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुआ है। और कोई वीडियो में ऐसा दिखाया है किसी ने? नहीं ना। चलो फिर से इसको मैं राउंड कर लेता हूँ और ऊपर एक मगज सजा देंगे। बिल्कुल हलवाई स्टाइल में अपने मोतीचूर के लड्डू रेडी है। और वीडियो छोड़कर मत जाओ यार, ऐसे ही सारे के सारे बना लूँगा। बहुत सारे वीडियो में क्या होता है, जब उबालते हैं ना चाशनी में, तब अचानक से बाजार के दिखा देते हैं, या फिर जब बूंदी बनती है उसके बाद बाजार के दिखा देते हैं, या शेपिंग करते समय बाजार के दिखा देते हैं, या लास्ट में शेप करने के बाद बाजार के दिखा देते हैं, या फिर बूंदी को मिक्सी में चलाकर बनाते हैं। वैसे मज़ा नहीं आता यार। मैंने 3 महीने लगातार काम किया था 2014 में मोतीचूर के लड्डू बनाने की रेसिपी में। अभी 2020 में वापस फिर से काम किया 1 महीना, तब जाकर पता चला ये एक और सीक्रेट जो मुझे भी नहीं पता था पहले। तो टोटल में नई नई तो भी 40 बार तो कम से कम मैंने ये मोतीचूर के लड्डू बनाए ही है। अगर लग रहा है आपको कि परफेक्ट बने हैं और ये तरीका अनदेखा है, तो कर दो लाइक। अपने सारे के सारे 14 पीस मोतीचूर के लड्डू रेडी है। अब एक प्लेट में मैं इसको सजा रहा हूँ ताकि बिल्कुल दुकान जैसे दिखे आपको। तो लग रहे हैं ना फ्रेंड्स, एकदम चमकू मोतीचूर के लड्डू बाजार जैसे, एकदम सॉफ्ट मोतीचूर के लड्डू है, एकदम मोती जैसे चमक भी रहे हैं ये, क्योंकि रसीले है ना, हर बूंदी नरम नरम, मुंह में खाएंगे तो घुल जाएगी पूरी। और अंदर से भी आप देखो पूरे रसीले और चमचमाते हुए लड्डू है, ऐसा नहीं है कि बार बार तेल लगा दिया हो। 3 दिन तक फ्रेश रहेंगे, जूसी रहेंगे, नरम रहेंगे, उसकी गारंटी। तो आप कब बना रहे हो? तो कैसी लगी रेसिपी दोस्तों? अगर अच्छी लगी तो लाइक, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक। वैसे मैं नॉर्मली बोलता नहीं हूँ, मेहनत बहुत लगी है ये रेसिपी को डेवलप करने में। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर से क्लिक कर देना। मिलता हूँ जल्द एक और वीडियो के साथ। और ये त्यौहार सीज़न में आप क्या क्या बना रहे हो कमेंट करना, ताकि मैं भी कुछ नया ट्राई कर लूँ। बाय बाय।